नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनु राशि वालों, 3 सितंबर 2022 से आने की अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान, क्योंकि कोई अपना आप से बिछड़ने वाला है। दोस्तों, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों समय रहते हो जाइए सावधान। दोस्तों, आज के वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और महीने की शुरुआत में ही आपके बहुत सारे भेद खुलने वाले हैं। दोस्तों, कई ऐसी खुशखबरियां आपको मिलने वाले हैं, तो कई ऐसे शुभ समाचार भी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, कई ऐसे ऐसे दुखद और बुरे समाचार भी आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, दोस्तों साथ ही आज के दिन आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपके स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, बिजनेस व्यापार में क्या क्या तरक्की होंगे और आपके करियर में क्या क्या उन्नति भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों साथ ही आज के दिन आपके घर परिवार के माहौल कैसे रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय कैसे रहेंगे। दोस्तों साथ ही अगले 24 घंटे तक आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी और कौन सी चुनौतियों का भी सामना आपको अगले 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। दोस्तों, इन सारे की सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से बस मेरा छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय भी हम बताएंगे। दोस्तों, आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे आने के शनिवार के दिन इस उपाय को आप लोग कर लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जीवन की सारी परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारियां आप लोगों को समय समय तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इस दिन के पंचांग। दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन रहेगा। दोस्तों शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का पावन रहने वाला है। दोस्तों शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों सूर्य की बात करें, दोस्तों वैधरती युग शाम 5:01 के उपरांत विषकुम युग प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों राहुकाल के समय की बात करें, अर्थात दिन का भेद या शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 9:19 से लेकर सुबह 10:12 रहेगा। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल को भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही भूल से ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न एवं बाधाएं भी पड़ सकती है। और दोस्तों अब जो मेरे समय की बात करें, अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें, दोस्तों दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 रहेगा। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग को भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्म समय की बात करें, दोस्तों सुबह 4:37 से लेकर सुबह 5:25 रहेगा। और दोस्तों सूर्य सिंह राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल आपके राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आइए पूरी जानकारी बात करते हैं आपके राशिफल से। दोस्तों ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय रहेगा आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए हैं और आपकी तरक्की की राह में बाधा भी बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबत से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को आप जल्दी ही सुलझा लें और अपने रिश्ते की महत्ता भी समझने की आप कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्ते की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें और साथ ही आपको कुछ ऐसी घटनाओं की तह तक जाना पड़ेगा जो कि वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं। दोस्तों इससे आपकी इज्जत को काफ़ी ठेस भी पहुंची है और आपको काफ़ी आरक्षित और सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में अगले 24 घंटे के अंदर बाधा बनने की कोशिश भी कर सकते हैं। और साथ ही आप अगले 24 घंटे में ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपने तरीके से
दोबारा पेश करने का मौका दे। आप इसे उत्साह के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। घर में कुछ आयास में बदलाव होने की भी उम्मीद है। आप शायद अधिक एकाग्रता और अधिक बेहतर अवसरों के लिए किसी नई जगह पर भी जाना चाहते हैं तो यश में आप जा सकते हैं। और दोस्तों, प्रेम और संबंध राशि फल की दृष्टि में देखें, दोस्तों आप यश में बाहर जाएं और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना भी बनाएं। आप जो भी करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद भी है। आपको अपने नए अनुभव और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। और दोस्तों, करियर और धनराशि फल की दृष्टि में देखें, दोस्तों आज आपको अपना कठोर और मजाकी दृष्टिकोण को बदलने की काफ़ी आवश्यकता है। बेहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और साथ ही साथ ये जानने की भी आप कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में ध्यान देने योग्य तो बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीज़ें कैसे कार्य कर रही है, बजाय कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों के पर थोपें। और दोस्तों, बिजनेस और व्यापार की दृष्टि में देखिए, दोस्तों ग्रह और स्थितियों के अनुसार से यह जानकारी मिल रही है कि आज का दिन व्यापारिक कार्यों में काम धंधे की बेहतर स्थिति को दर्शाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में व्यापारिक स्थिति बेहतर रूप में देखी जाएगी। और इतना ही नहीं, आज आपको अपने कहीं अटका हुआ धन की वापसी भी मिल सकती है। जो लोग कम्युनिकेशन से संबंधित कारोबार करते हैं वह आज अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं और साथ ही आज आपके व्यापार में परिवर्तन भी हो सकते हैं। नौकरी पेशेवर के कर्मचारी के द्वारा अधिक भागदौड़ देखी जा सकती है। आज आप काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं और साथ ही आज आपको लाभ के कई अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं तो उनका आप अच्छे से लाभ उठाएं। और दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित दृष्टि में देखा जाए, दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, लेकिन शारीरिक थकान की स्थिति बन रहेगी और कुछ समय आराम के लिए भी आप निकालें तभी आप अपने कामों को अच्छे से करने में कामयाब भी होंगे। और दोस्तों, घर परिवार के माहौल में देखें, दोस्तों आज घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त भी रहेंगे और दोस्तों बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर अधिक जागरूक भी दिखेंगे और आज आपको वरिष्ठ लोगों से लाभ भी मिल सकता है और आपका भाग्य आज खुल जाएगा। और दोस्तों, आज आपको ऐसी ऐसी खुशखबरियां भी मिलेंगी जिसकी उम्मीद आप बिल्कुल भी नहीं की होंगी। और दोस्तों, आज विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है क्योंकि दोस्तों आज उनकी कोई बड़ी सफलताएँ हाथ लग सकती है। और दोस्तों, जो विद्यार्थी पूर्व में अच्छे मेहनत किए थे, दोस्तों उन्हें अब अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है। जी दोस्तों, दोस्तों चलिए बात करते हैं अब उपाय के बारे में। दोस्तों, आखिर आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि शनिवार के दिन आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में नौकरी, धन या फिर व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं चल रही है तो आपको शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनियंत्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि और खुशी भी बनी रहेगी। और साथ ही आप शनिवार के दिन ओम सह शनिचरे नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस मंत्र को जाप करने से आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां, सारे दुख तकलीफ भी हमेशा हमेशा दूर होंगी और भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव महाराज ज़रूर लिखें। दोस्तों, भगवान शनिदेव का हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन के उनके सारे बिगड़े कार्य और सारे अधूरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। और दोस्तों, इस दिन का आपका शुभंग रहने वाला है तीन और शुभ रंग रहने वाला आपका काला रंग और शुभ दिशा रहने वाला आपका पश्चिम दिशा।